सो हे गाइस, व्हाट्स अप, इट्स अ होस्ट टेक्निकल डॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे होंडा सीबीआर 250 आर के बारे में, इंडिया की सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful thoughts and past. तो गाइस, इस बार इंट्रो कुछ ज़्यादा ही चलती थी, अरे कोई बात नहीं गाइस, है ना। तो बात करने वाले हैं इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट और बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं ना माइलेज और टॉप स्पीड से। भाई उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, एक्सक्लूसिव फुटेज हमेशा की तरह आपको देखने को मिल रही है। देखो कितनी अमेजिंग है बाइक, ठीक है। मुझे बहुत हंसी आ रही है, ठीक है। तो चलो गाइस, पहले बात करते हैं माइलेज की। तो माइलेज जो इसकी होने वाली है वो होगी 40 किलोमीटर पर लीटर की, और जो इसकी परफॉर्मेंस हो सकती है, जो आप कह सकते हो मतलब जो टेस्टिंग में सामने आई है निकल के, वो 0 to 100 की स्पीड में, हाँ गाइस 0 to 100 की स्पीड में सिर्फ 6 सेकेंड में जा चुकी है, तो आप देख सकते हो। और गाइस इसके बाद इसकी टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो 180 किलोमीटर पर आर की इसकी टॉप स्पीड है। और गाइस इंजन और गियरबॉक्स की बात करें अब, तो गाइस इंजन में आपको इसमें मिल जाता है 4-stroke 8-valve का पैरेलल 12 सिलेंडर का इंजन देखने को मिल जाता है आपका, जो जिसका फ्यूल सिस्टम है PGMFI यानी कि प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन। और गाइस उसकी कूलिंग की बात करें तो लिक्विड कूलिंग आपको देखने को मिल जाएगी इसमें, जो कि ऑटो इलेक्ट्रिक फैन के साथ होगा, यानी कि इंजन ज़्यादा गर्म होते ही आपका पंखा चल जाएगा और इंजन आपका ठंडा हो जाएगा। और गाइस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 250 cc का इसमें इंजन है, और जो कि आता है 41 horsepower की पावर में, वैसे हॉर्स पावर की पावर मतलब जो भी है ना, 1300 rpm का इंजन है इसका, और जो इसका टॉर्क है वो 25 Nm का टॉर्क है, जो कि है 11000 rpm पे। तो इसके बाद बात करें इसमें कितने गियर्स है, तो गाइस 6 गियर्स है इसमें, और आजकल बाइक्स में भी गाड़ियों में इतने गियर आने लगे, तो गाइस बहुत अच्छी बात है। गाइस क्लच की बात करें, मल्टीप्लेट वेट क्लच है इसके साथ, जो कि है कॉइल स्प्रिंग वाला। और गाइस मुझे तो स्प्रिंग से कोई मतलब नहीं है, क्लच सही टाइम पे काम कर जाए बस। अब गाइस बात करें परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो गाइस अब मैं थोड़े आपको डिटेल में, आपको जो फिगर मैंने आपको बताया था 0 to 100 का, वो थोड़ा डिटेल में बताया। तो आपको बताइए 0 to 100 तो 6 सेकंड में चली गई थी, 0 to 60 चली गई थी ये 2.75 सेकंड में। गाइस काफ़ी अच्छी बाइक है, अगर आपके पीछे डॉगी पड़ जाता है तो आप इसको खींच लेना, वैसे मुझे काफ़ी डर लगता है कुत्तों से जब बाइक में किसी में पीछे पड़ते हैं, तो खासकर पैदल तो ज़्यादा ही डर लगता है। और गाइस अब एक और परफॉर्मेंस फिगर की बात करें, तो 0 to 400 meters से सिर्फ 14.50 सेकंड में चली गई थी। तो इसका अगर अपन गणित लगाएं तो गाइस 1 किलोमीटर लगभग आप 30 सेकंड में पहुँच जाओगे, तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है अगर फुल स्पीड में आप खींचते हो तो। ठीक है, बहुत बकबक कर ली, अब थोड़ा सीरियस स्पेसिफिकेशन में आते हैं। ब्रेक्स और टायर्स की गाइस बात करें तो फ्रंट ब्रेक जो है इसमें 310 mm का हाइड्रोलिक डिस्क डुअल पिस्टन वाला ब्रेक है। और गाइस रियर ब्रेक की बात करें तो 240 मिलीमीटर का हाइड्रोलिक सिंगल पिस्टन वाला डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। और गाइस ABS की बात करें तो डुअल चैनल का इसमें आपको ABS देखने को मिल जाता है। व्हील साइज़ की बात करें तो गाइस फ्रंट व्हील का जो साइज़ है वो है 17 इंच का, और रियर व्हील का भी साइज 17 इंच का है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पता नहीं मैंने अलग अलग क्यों बताया। अब गाइस बात करें व्हील्स की, तो अलॉय व्हील्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि आएंगे ट्यूबलेस टायर के साथ, जो कि यार ट्यूबलेस टायर्स तो मुझे भी काफ़ी पसंद है, मतलब चाटने का मन करता नहीं नहीं चाटने का नहीं, मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं ट्यूबलेस टायर, ठीक है। अब गाइस बात करें इसके सस्पेंशन और चेसी की, तो गाइस फ्रंट सस्पेंशन जो है आपको इसमें आपको इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, सॉरी फोक नहीं फ्रंट सस्पेंशन मिल जाता है। गाइस फोक इसलिए बोल दिया क्योंकि स्कूटी में ज़्यादातर फोक आता है, तो वही वर्ड है दिमाग में। अब गाइस रियर सस्पेंशन की बात करें तो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म का रियर सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि 5 स्टेप का एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन है, जिसके साथ मोनो प्रोलिंग सिस्टम आता है, हाँ यही था नाम। तो गाइस ये वाला आपको रियर का सस्पेंशन मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कितनी प्यारी स्प्रिंग लगी हुई है पीछे। अब गाइस फ्रेम की बात करें तो ट्रस फ्रेम इसको इस बाइक में आपको देखने को मिल जाता है, और एग्जॉस्ट या मफलर जो भी आप कहते हो अपनी लैंग्वेज में, तो देसी लैंग्वेज में तो साइलेंसर कहते हैं उसको, तो वो डबल बैरल का डिज़ाइन के साथ वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइस डायमेंशंस और वेट की बात करी जाए फिर इस समय काफ़ी मतलब पिछली होंडा की CBR 150 R पे वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आए थे भाई मेरी हाइट इतनी है तो यार मेरे को ये बाइक सूट करेगी या नहीं। तो गाइस कोई भी हाइट हो आपकी कोई मतलब नहीं होता, अगर आपको बाइक पसंद है, आपके पास पेमेंट है उसको लेने की, तो आप ले लो बाइक। तो और हाइट तो काफ़ी अच्छे से गाइस आजकल तो देख सकते हो, बीच वाला सीट का पोर्शन काफ़ी नीचे हो जाता है, तो आप आराम से चला सकते हो। और आपने देखा ही अभी डिजिटल कितना शानदार था, ओडोमीटर स्पीडोमीटर जो भी कह सकते हो आप इसको, है ना। तो गाइस थोड़ा सा डिफरेंट वे में बात करने के लिए सॉरी, मतलब वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस आप लोगों से बात करके, मतलब लगभग 1 महीना हो गया था आप लोगों से बात नहीं करके, ठीक है गाइस इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो गाइस कहाँ थे अपन, हाँ तो इसके बाद गाइस अगर बात करें इसके डायमेंशंस और वेट की, तो गाइस लेंथ जो है इस बाइक की लंबाई है 2065 mm, और जो विड्थ है 725 mm की इसकी विड्थ होने वाली है, और हाइट है 1095 mm की, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का वो है 145 mm का।
अगर सीट हाइट की बात करें तो 790 मिलीमीटर की सीट हाइट आपको देखने को मिल जाती है, और जो व्हील बेस है उसका 1390 मिलीमीटर का व्हील बेस है, और ये इंग्लिश क्यों हो गई ये पता नहीं, 1390। कब वेट की बात करें तो गाइज 168 किलोग्राम का इसका वेट होने वाला है, और जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है गाइज वो 14 लीटर की है, और गाइज इंजन ऑयल की जो कैपेसिटी है वो है 1.9 लीटर्स की। अगर टर्निंग रेडियस है कितने सर्कल में आप घुमा सकते हो, मतलब आपका छोटी सी गली है आपको पूरा यू टर्न लेना है घुमाना है पूरी बाइक को, तो 2900 मिलीमीटर की अगर गली होगी तो बाइक आराम से घूम जाएगी। अब वैसे आप नापोगे तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको अप्रोक्स मैंने आइडिया दे दिया है ना। तो गाइस अब बात करें इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स की, हाँ तो गाइस वो इंस्ट्रूमेंट कंसोल दम है ठीक है। तो गाइस इसमें सबसे पहले तो आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, जो कि मतलब बहुत मतलब रेयर है, मतलब स्पीडोमीटर तो मैंने देखा ही नहीं किसी बाइक में। उसके बाद टैकोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, घड़ी मिल जाती है, क्लॉक और फ्यूल गॉज मिल जाता है। तो गाइस मुझे तो लगता है कि आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ है ना, और जो कि सारी डिजिटल है। गाइस बाकी इंडिकेटर और जो लाइट है उसकी बात करें तो ABS लाइट मिल जाती है आपको, गियर इंडिकेटर मिल जाता है, सर्विस रिमाइंडर लाइट मिल जाती है, लो ऑयल इंडिकेटर मिल जाता है, और लो बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, साथ में रेव लिमिटर इंडिकेटर मिल जाता है। रेव लिमिटर का गाइस शॉर्ट में समझाता हूँ, जगह अगर आपको ज़्यादा ही एक्सेलरेटर दे तो RPM लिमिट से बाहर जा जाता है तो इंडिकेटर जल जाता है। गाइस जल्दी से यार वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो बैटरी और लाइटिंग की बात कर लेते हैं। गाइस पास लाइट इसमें आपको देखने को मिल जाती है, बैटरी टाइप जो है मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिल जाती है, वो एसिड वाली इसमें पाऊँ वो बैटरी वाटर डालना पड़ता है। और गाइस कैपेसिटी है वो 7 Ah की कैपेसिटी है, वोल्टेज जो है उसके 12 वोल्ट की बैटरी है, और जो हेडलाइट है उसमें LED का प्रयोग किया गया है, रियल लाइट में भी LED और दोनों इंडिकेटर्स में भी LED है। गाइस कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो स्प्लिट सीट मिल जाती है आपको, और मतलब स्टेप अप भी कर सकते हो, स्टेप नीचे भी, तो जैसा कि आपको पता ही अगर पीछे कोई बैठी हो तो आप समझ गए गाइस, तो आप सीट ऊपर कर लो। इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल जाएगा आपको इसके अंदर, और इसके साथ राइडिंग मोड्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अलग अलग राइडिंग मोड सिलेक्ट कर सकते हो, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी आते हैं। इसके बाद इंजन किल स्विच मिल जाता है, पिलो फुटरेस्ट मिल जाती है, पिलो ग्रेविल मिल जाती है, सेल्फ कंसर्लिंग इंडिकेटर मिल जाता है, मतलब सेल्फ कैंसलिंग, सॉरी यार गाइस वर्ड भी नहीं आते मुँह से, मतलब आप राइट का इंडिकेटर देखो राइट मोड़ोगे तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा, ऐसे गाड़ियों में होता है। गाइस वेरिएंट्स की बात करें तो इंडिया में 250R और 250RR आने के चांसेस हैं, तो गाइस लेट्स सी कौन सा आता है। प्राइस की बात करें तो 250R की प्राइस 1.95 से 2.50 लाख के बीच में होगी, और 250RR की प्राइस 2.20 लाख से 2.80 लाख के बीच में होगी। गाइस लॉन्च डेट की बात करें तो यार इन सुपर बाइक्स का कुछ कंफर्म नहीं होता, होंडा कभी भी मन करता है इसको लॉन्च कर देता है, कभी भी डिसकंटिन्यू कर देता है। तो गाइस मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि होंडा की तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन अगर मैं अपने तरफ से बताऊं कि क्या मुझे लग रहा है, क्या मतलब बाकी सूत्र कह रहे हैं, तो उस हिसाब से तो लगभग अगले ईयर की मार्च या अप्रैल तक आएगी गाइस, उससे भी डिले हो जाती है, तो अब होंडा को राम राम कर देना चाहिए अपने को, और KTM वगैरह की तरफ आप लोगों को मुड़ जाना चाहिए। CBR 150R की वीडियो नहीं देखी है तो गाइस यहाँ से देख लेना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो को शेयर कर देना। गाइस बस यार आज की वीडियो में इतना, जल्दी से बोल रहा हूँ और बाय।